राजस्थान के चुरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के गांव भैंसली में पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी जय यादव ने बताया कि भैंसली में 13 मार्च को भूप सिंह पूर्णिया के घर पर कंट्रोल रूम चूरू से आग लगने की सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल श्रीराम पुलिस जाप्ता के साथ भूप सिंह के घर पर पहुंचे तो भूप सिंह व अन्य लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ लाठी, पाइप, कस्सी, पत्थरों से मारपीट की और सरकारी वाहन को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। राजकार्य में बाधा व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर हमीरवास थाना में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुमित पुत्र राजवीर जाट निवासी भैंसली, नृपेंद्र पुत्र रणवीर जाट तथा जय भगवान पुत्र जगदीश निवासी जीतपुरा जिला चरखी दादरी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी भूप सिंह ने अपने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते अपने 2 बेटों और दादी को जहर देकर मौत के घाट उतारा था। वही ग्रामीणों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसने सोडियम का उपयोग कर घर में आग लगानी शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस जांच के लिए घर पर ना पहुंचे, इसीलिए भूप सिंह ने ग्रामीणों और मौके पर मौजूद लोगों से पुलिस पर हमला करवा दिया था, जिसके बाद मामले की जांच जारी है और अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले के मुख्य आरोपी भूप सिंह पूर्णिया को भी 7 दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी से हत्या की वारदात में प्रयोग किया गया जहर भी बरामद कर लिया है।